हेलो बच्चो मेरा नाम है जगदीप और मैं 18 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ इन 18 सालों में मैंने हर बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है और इसीलिए मुझे हर एक बोर्ड के सिलेबस और पेपर पैटर्न की जानकारी है मेरे चैनल पे अब तक सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस थे इसीलिए इस साल मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हिंदी में वीडियोज बनाने वाली हूँ सो ऑल हु आर दोबल विद हिंदी यू मे फाइंड द लिंक्स फॉर इंग्लिश प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लेना क्योंकि इस साल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नोट्स और टेस्ट भी रिलीज करूंगी जो आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे तो बच्चों चलते हैं लेक्चर में आज का लेक्चर कंज्यूमर बिहेवियर पे है और आगे के कुछ लेक्चर्स अब इसी टॉपिक के इम्पोर्टेंट पर होंगे तो सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि भाई कंज्यूमर कौन है है ना सो so, कंज्यूमर वो है वो इंडिविजुअल है जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है या बाय करता है अपनी ही नीड्स और वांट्स सेटिसफाई करने के लिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं बट वो अपनी नीड्स एंड वॉन्ट्स सेटिसफाई करने के हिसाब से नहीं खरीदते हैं उन कमोडिटीज़ को वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में या बिजनेस को चलाने में यूज करते हैं तो उन लोगों को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ठीक है और जो लोग कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं अपनी नीड सेटिस्फैक्शन के लिए उन्हें हम कंज्यूमर बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भूख लगी आपने एक एप्पल ख़रीद के खा लिया तो आप क्या बने आप उस एप्पल के कंज्यूमर बने क्योंकि आपने वो एप्पल खुद के लिए यूज़ किया ठीक आप कैसे खरीदोगे उन गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्वियसली आपने कुछ कमाई की होगी कुछ आपके पास पैसे होंगे तो आप अपनी जो इनकम है उसको स्पेंड करते हो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी इस नीड सेटिस्फैक्शन के लिए ठीक पर हमें कुछ याद रखना होगा एज़ फार एज डेफिनेशनज आर कंसर्न तो इकोनॉमिक्स की एक स्केयर डेफिनेशन है जो रॉबिन्सन ने दी है और उस डेफिनेशन के हिसाब से हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है पर हमारे रिसोर्सेज यानी कि हमारी इनकम जिससे हम उन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो लिमिटेड हैं यानी कि वॉन्ट्स तो हैं जो वो कभी ख़त्म नहीं होंगी जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी वॉन्ट्स बनती ही चली जाएगी आती ही चली जाएंगी एक वॉन्ट ख़त्म होती है दूसरी अराइज हो जाती है दूसरी खत्म होती है तीसरी अराइज़ हो जाती है पर हमारे पास इनकम जो है वो लिमिटेड है मान लो आप महीने के पचास हज़ार कमा रहे हो तो आप उस महीने में पचास हज़ार से एक रुपया ज़्यादा खर्चा करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि आप कमा ही पचास हज़ार रहे हो तो आप फिफ्टी वन थाउजेंड का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस फिफ्टी थाउजेंड में आप अपने हर नीड और वांट को किस तरह से सेटिसफाई करोगे उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं ठीक है अब वो जो प्रिंसिपल्स हैं दो मेजर कैटेगरीज में हैं एक कैटेगरी है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी कैटेगरी है ऑर्डिनल अप्रोच ठीक अब कार्डिनल अप्रोच को हम ऑल्टरनेटिवली मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी और ऑर्डिनल अप्रोच को हम ऑल्टरनेटिवली इन डिफ्रेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं जो कि हिक्स और एलन ने दी थी ठीक ये वीडियो सीरीज मार्शल इन यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर होगी ठीक अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू इन दोनों का दे देती हूँ फिर हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं सो so मार्शल जो है वो ये कहता है कि भाई हम अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है हमें कमोडिटी को यूज़ करने के बाद जो मिलता है उसे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सुनने में एप्सर्ट लगेगा पर हम ये कह सकते हैं कि भाई इस एक एप्पल को खा के मुझे एक किलो की खुशी मिली ठीक तो यहाँ पे हमने क्या किया हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी कि भाई मुझे एप्पल खा के इतने इतने किलो की हैप्पीनेस मिली अब किलो जो है वो हम वेट्स के लिए यूज़ करते हैं इसीलिए मार्शल ने किलो के बजाय यूटल्स यूज़ किए सो so, उनका कहना यह है कि भाई एक एप्पल खा के मुझे 20 यूटल्स की हैप्पीनेस मिली ठीक है तो मैंने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी कि भाई मुझे 20 यूटल्स की खुशी मिलती है एक एप्पल खा के साउंड एब्सर्ड है ये थोड़ा सा सुनने में थोड़ा और लगता है क्योंकि एक्चुअली में हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं कंज्यूम करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें इतने इतने नंबर की खुशी मिली है राइट हम ये बोलेंगे कि भई इस कमोडिटी को यूज़ करके मुझे या तो बहुत अच्छा लगा है या थोड़ा कुछ ठीक ठाक सा अच्छा लगा है या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो उस तरीके से जब हम अपनी प्रेफरेंस देते हैं एक कमोडिटी को यूज़ करने के बाद तो वो जो सेगमेंट है वो हाईलाइट होती है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में अब इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस का एक एग्ज़ाम्पल शायद आप सभी ने भी देखा होगा आप सब YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो है ना तो YouTube आप डेफ़िनेटली बहुत रेगुलर तौर पे देखते होंगे तो YouTube जब आपको कोई नई वीडियो सजेस्ट करता है ठीक तो उसमें वो आपसे पूछता है हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी और उसमें नीचे कुछ स्माइलीज बने होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके एक्सप्रेशनस होंगे मान लो एक हंसने वाला है एक न्यूट्रल है सीधे होटों वाला या एक रोने वाला है या एक बहुत ही हंसने वाला है तो यहाँ पे उसने आपको क्या दिया एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस दिया है कि आप इस वीडियो को क्या रेटिंग दोगे उस प्रेफरेंस के हिसाब से फिर वो अगली अपनी जो है सजेशंस आपको देना शुरू करेगा तो ये जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है ये हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पढ़ते हैं ठीक है जैसा मैंने पहले कहा इस वीडियो में या इस वीडियो सीरीज में हम मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस पे पूरा फोकस करने वाले हैं ठीक आगे बढ़ते हैं मान लो अब हम मार्शल वाली यूटिलिटी वाले स्कोप में जा रहे हैं तो पहली जो चीज़ है हमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि भई यूटिलिटी क्या होती है है ना हम यूटिलिटी वर्ड पहले यूज़ कर चुके हैं हमने यूटल्स पढ़ लिया कि भाई ये एक मेजरमेंट है जो हम यूटिलिटी को देते हैं पर यूटिलिटी क्या है सो so, यूटिलिटी जो है ये वॉन्ट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है किसी भी कमोडिटी की ठीक है हर वो कमोडिटी जो आपकी नीड सेटिस्फाई करती है आपकी ज़रूरत को पूरा करती है उसे हम कहेंगे कि इसमें यूटिलिटी है ठीक मान लो फॉर एक्ज़ाम्पल हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं एक है ऑरेंज और एक है नाइफ़ ठीक अब ऑरेंज जो है वो आप सीधा पील करके खा सकते हो आपकी जो हंगर है आपकी जो भूख है उसको मिटाने में ऑरेंज आपकी मदद कर रहा है उसी तरह से नाइफ़ भी एक कमोडिटी है जो आपकी हेल्प करता है कट करने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ज़्यादा करके ये किचन में यूज़ होती है ठीक मान लो अगर आप किचन में काम करना नहीं जानते को किचन में काम करना नहीं आता है या आपने कभी नाइफ़ यूज़ ही नहीं की है तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये नाइफ़ आपको कट करने में हेल्प कर रही है ये नाइफ आपके लिए किसी काम की नहीं है ये आपको कोई यूटिलिटी नहीं दे रही ठीक उसी तरह से ऑरेंज तो छोटा बच्चा भी भाई छील के खा सकता है तो ये आपको यूटिलिटी दे रही है क्योंकि आप इसे खा पा रहे आप इसे यूज़ कर पा रहे हो तो हर वो कमोडिटी जो आप यूज़ कर पाते हो और आपकी वांट सेटिस्फाई कर रही है वो कमोडिटी यूज़ करने के बाद उसमें यूटिलिटी है ठीक और जो कमोडिटी आप यूज़ नहीं करना जानते या आप यूज़ नहीं कर सकते हो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो यूज़ेबल है पर आप नहीं यूज़ कर पा रहे तो आपके लिए उस कमोडिटी की कोई यूज़ नहीं है कोई यूटिलिटी नहीं है वो आपको किसी भी तरह से कोई भी तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती समझ में आया बच्चों यहाँ तक अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमने ये तो मान लिया ये भी पढ़ लिया कि भाई यूटिलिटी जो है वो वॉन्ट सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटल्स में हमने पढ़ लिया बट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि, कि किस कमोडिटी को कितने यूटल्स देना है ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें पर उसको किस बेस पे हम उस यूटल्स को उस कमोडिटी के साथ एसोसिएट करेंगे अब वो पढ़ते हैं ठीक है मान लो आपने दो कमोडिटीज़ कंज्यूम की हैं एक है पिज्ज़ा और एक है बर्गर ये प्राइस वाला सेगमेंट हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे ठीक सो so, एक है पिज़्ज़ा और एक है बर्गर अब पिज़्ज़ा जो है उसको आपने मान लिया पंद्रह यूटल्स की सेटिसफैक्शन दी है थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मान लो आपने पिज़्ज़ा को पंद्रह यूटल्स की सेट्सफैक्शन दी है और बर्गर को दिए आपने थर्टी यूटल्स की सेट्सफैक्शन अगर हमें थोड़े से भी टेबल्स पता हैं तो फिफ्टीन टू जै थर्टी होता है यानी कि मान लो आपका नाम सोनिया है सो so, सोनिया लाइक्स बर्गर्स ट्वाइस एज मच एज शी लाइक्स पिज़्ज़ा यानी कि सोनिया को बर्गर्स पिज़्ज़ा के कंपैरिजन में दो गुना ज़्यादा पसंद हैं वो बर्गर से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव करती है बर्गर खा के उसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है पिज़्ज़ा के मुकाबले ठीक तो ये तो हो गई भाई हमने एक रैंडम तौर पे पंद्रह और तीस का यूटल्स यहाँ पे दे दिया पर अगर हम थोड़ा और इसे रियल वर्ल्ड सिनारी में ले जाएँ थोड़ा सा और इसे आ, आ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ले जाएँ तो लेटेस से कि भाई इस पिज़्ज़ा का जो प्राइस है जो कीमत है जो आप इसे दोगे ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं बटते पिज़्ज़ा और बर्गर है ना हमें पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए तो मान लो हमने पिज़्ज़ा दिया है जो कि तीस रुपये का दिया नहीं है सॉरी हमने पिज़्ज़ा लिया है जो कि तीस रुपये का हमें पड़ा उसी तरह से बर्गर भी तीस ही रुपये का हमें मिल रहा है ठीक है दोनों की प्राइस सेम है बट पिज़्ज़ा खा के मुझे सिर्फ पंद्रह यूटिल्स की खुशी मिल रही है ठीक है मान लो अब सोनिया मैं ही बन गई हूँ तो मान लो पिज़्ज़ा खा के जहाँ पे मैंने तीस रुपये खर्चे किए मुझे सिर्फ पंद्रह यूटल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो मेरी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है अमाउंट ऑफ मनी पेड से कम है ठीक यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए हो ठीक है और आपने आ, मान लो आप एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले गए और आपने आ, क्या ऑर्डर कर दिया आपने ऑर्डर किया है फ़्राइड राइस ठीक है क्या ऑर्डर किया आपने आपने फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिए ठीक है अब वो फ्राइड राइस जो है डेढ़ सौ रुपये का है ठीक अब इस डेढ़ सौ रुपये में आपको उस रेस्टोरेंट में ये वाली बाउल मिली है जो छोटी सी है और इसमें राइस बने हुए हैं ड्राइंग थोड़ी गंदी है बट इट्स ओके आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए ठीक तो डेढ़ सौ रुपये में आपको ये वाली बाउल मिली है जिसमें थोड़े से राइस हैं अब उसी तरफ अगले दिन या मे बी कुछ हफ्तों बाद आप एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हो और आप डेढ़ सौ रुपये का फ्राइड राइस फिर से ऑर्डर करते हो पर यहाँ पे आपको ये बाउल मिल रहा है जो कि इस बाउल से तो ज़्यादा बड़ा है है ना दिख रहा है ना ड्राइंग में दिखा ही दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो छोटा है ये स्मॉल है और ये वाला बिग है तो अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आप लॉजिकली कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे इस वाले में जहाँ छोटा बाउल मिला था या इस वाले में जहाँ बड़ा बाउल मिला था लॉजिकली मैं इस वाले में जाना पसंद करूंगी जहां बड़ा बाउल मिला है क्योंकि मुझे वहां मेरे पैसों का वेस्टेज दिखाई नहीं दिया हम बोलते हैं ना यार ये वर्थ नहीं था पैसा इसके ऊपर ये ज़्यादा ही लगा दिया मैंने इस ये इतने की तो ये बनती नहीं थी चीज़ तो ये ये चीज़ कहाँ से आई ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया क्योंकि उस चीज़ के ऊपर उतने पैसे डालने के बाद मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली वहीं पे सोनिया के बर्गर पे हम दोबारा जाते हैं तो उसने तीस रुपये में एक बर्गर लिया और उसको तीस यूटल्स की सेटिस्फैक्शन मिल गई है ना यानी कि जितने उसने पैसे खर्चे किए उतने ही सेटिसफैक्शन उसको मिल गई यानी कि ये वाला सिस्टम तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जितने पैसे हम लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने में और उसको यूज़ करने में या उसको खाने में पीने में जिस भी तरह की चीज़ है वो तो उससे हमें अगर उतनी सेटिसफैक्शन मिल रही है हमें ऐसा फील नहीं होता कि भाई मैंने वेस्ट कर दिए पैसे तो वो जो चीज़ है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई मुझे हाईएस्ट यूटिलिटी मिल पाई है मैं इससे बिल्कुल खुश हूँ और अगली बार भी मैं इस चीज़ के ऊपर पैसे खर्च करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगी या हिचकिचाऊँगी नहीं ठीक तो इस तरह से जो है हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं समझ में आ गया बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ ठीक है हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं नेचर ऑफ यूटिलिटी बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बोल सकते हैं इनमें से जो भी वर्ड्स आपके क्वेश्चन में आ जाए आंसर यही लिखना है आपने ठीक सो so, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो यूटिलिटी का है कि भाई ये सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव का मतलब होता है इट डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर यानी कि यूटिलिटी जो है दोनों इंसानों के लिए एक बराबर नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो नाम ले रखे हैं एक है राज और एक है सुनील ठीक है और एक कमोडिटी ले रखी है जिसका नाम है कोक आप जो मर्जी यहाँ ले लो पेप्सी ले लो कोक ले लो फ्रूटी ले लो जो आपको अच्छा लगे ड्यू ले लो ठीक है डर के आगे जीत है नाउ अब राज जो है इसे कोक पसंद है तो ऑब्वियसली जब ये कोक पीता है तो इसे हैप्पीनेस मिलती है इसे यूटिलिटी मिलती है बट सुनील जो है भाई इसे ब्लैक ड्रिंक्स पसंद नहीं है ऐसे तो ऑरेंज और येलो वाले ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं फ्रूटी माजा स्लाइस ये सारे इसके पसंद के कोक अच्छा नहीं लगेगा पेप्सी भी अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो उसे कोक पसंद नहीं है तो क्योंकि उसे कोक पसंद नहीं है कोक पीने के बाद भी उसे अच्छा सा फील नहीं होगा है ना तो उसे यूटिलिटी नहीं मिलेगी कोक से समझ में आ गया कमोडिटी वही है कई सारे लोगों को अच्छी लगती है कई सारे लोगों को नहीं लगती जिन्हें अच्छी लगती है उन्हें यूटिलिटी मिलेगी जिन्हें नहीं लगती उन्हें यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो हो गया ना इट डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर यूटिलिटी ऑफ कोक वॉज गुड फॉर राज बट नॉट फॉर सुनील उसी तरह से एक और कमोडिटी है जिसका नाम है इंसुलिन अब इंसुलिन एक तरह की मेडिकेशन है जो डायबिटिक्स यूज करते हैं ठीक है डायबिटिक्स यूज़ करते हैं तो जिन्हें डायबिटीज़ है और जिन्हें उस कमोडिटी की ज़रूरत है उनके लिए तो वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है बट अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो क्या आप बेफालतू में जाके वहाँ डायबिटीज़ के इंजेक्शन लोगे कोई नहीं लेगा कोई मैंटली रिटार्डिड ही होगा जो कि जाके इंजेक्शन लेगा है ना तो यहाँ पर आपके लिए इस इंसुलिन की कोई यूटिलिटी नहीं है ये इंसुलिन आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करती तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है सो तो इंसुलिन से आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी ठीक कैरेक्टरिस्टिक नंबर टू ये पूरा ऊपर कर लेती हूँ तो आपको थोड़ा दिखाई देगा बट नीचे वाले सेगमेंट्स ज़रा बाद में देखना जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करना है ठीक तो अगला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि भाई यूटिलिटी जो है वो प्लेजर नहीं है मैंने इसे अंडरलाइन नहीं किया बच्चों एग्जाम में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप हेड पॉइंट लिख रहे हो उसे आप अंडरलाइन करो क्योंकि वो एक फोकस बना देता है आंसर लिखते समय ठीक तो जैसे मैंने भी अंडरलाइन नहीं किया था तो इट इट डेंट स्टैंड आउट और जैसे अंडरलाइन किया तो आपको समझ में आ रहा है राइट right? डिफरेंस दिख रहा है कि भाई ये हेड पॉइंट है है ना अब यूटिलिटी जो है वो प्लेजर नहीं है हम दोबारा इंसुलिन पे जाते हैं ये इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है डायबिटिक पेशेंट्स को तो जिनको ये लेने पड़ते हैं ठीक है थीके? अब हम नॉन डायबिटिक्स के पास नहीं जा रहे हैं अब हम डायबिटिक्स पेशेंट्स के पास ही हैं ठीक है थीके? तो डायबिटिक्स पेशेंट्स को ये लेने ही पड़ते हैं उनकी ज़िंदगी निर्भर होती है इसके ऊपर सो फॉर देम वो सेटिस्फैक्शन तो दे रहा है क्योंकि वो जिंदा है अगर नहीं लेंगे तो उन्हें तकलीफ़ हो जाएगी मर भी सकते हैं तो उन्हें वो सेटिस्फैक्शन तो दे रहा है पर क्या इंजेक्शन मज़े देता है मुझे तो नहीं देता कई सारे लोगों को अच्छे लगते हैं बट मुझे डेफिनेटली नहीं देता तो ये प्लेजरेबल नहीं है सेटिसफैक्ट्री है आपकी वांट सेटिस्फाई कर रहा है पर प्लेजरेबल नहीं है उसी तरह से सर्जरीज मान लो आपको अपेंडिक्स हो गई खुदा ना खास्ता है ऐसा हो पर मान लो अपेंडिक्स है या किसी को है आपको ही क्यों लगानी ठीक है मान लो किसी को अपेंडिक्स है अब इसमें उस इंसान को अपेंडिक्स की सर्जरी तो करानी पड़ेगी नहीं कराएगा तो मर जाएगा तो अपेंडिक्स की सर्जरी जो है वो यूटिलिटी तो दे रही है सेटिसफाई तो कर रही है बिकॉज उसकी ज़िंदगी बच रही है पर वो सर्जरी जो एक्चुअल में हो रही है या उसके बाद की जो एक्चुअल फीलिंग है जो प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ है वो प्लेजरेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है सर्जरी से रिकवर होना सर्जरी इन एट सेल्फ इज पेनफुल राइट तो वो प्लेजरेबल नहीं है उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक नंबर थ्री यूटिलिटी यूजफुलनेस से डिफर करती है तो मैंने यहाँ कुछ गंदी प्रोडक्ट्स के नाम लिख रखे हैं रखें एल्कोहल है वाइन है बियर है हुक्का है सिगरेट्स है बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूटिलिटी तो देते हैं वांट सेटिस्फाई करते हैं उन लोगों की जो शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं बट वो यूज़फुल नहीं है क्योंकि उससे उनकी फिज़िकल वेल वेलबींग को उनकी हेल्थ को नुकसान ही होगा है ना सिगरेट के तो पैकेट पर ही लिख करके आता है कि भाई इट कॉजेस कैंसर फिर भी लोग पीते हैं तो वो यूटिलिटी तो दे रहे हैं उन लोगों को क्योंकि वो आदि हैं वो एडिक्टेड हैं उस कमोडिटी से बट वो उनके लिए या उनके आसपास रहने वालों के लिए बिल्कुल भी किसी भी हालत में यूज़फुल नहीं है तो यूटिलिटी जो है इट डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस ठीक अब नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी डिफ़र्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस ठीक है अब टाइम और प्लेस मैंने दो अलग अलग तरीके से लिख रखी है पहले प्लेस पढ़ लेते हैं सो so प्लेस में आप मान लो आप दो जगहों पे विज़िट कर रहे हो एक है कनाडा और उसके बाद आप जाने वाले हो दुबई अगर आप इस तरह के कंट्रीज़ में विज़िट कर रहे हो तो आपका लगेज बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि कनाडा का टेम्परेचर है कोल्ड और दुबई का टेम्परेचर है हॉट तो जिस तरह के कपड़े आप कैनेडा में पहन रहे हो वुलन क्लोथ्स है ना भारी भरकम जैकेट्स क्योंकि वहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं उस तरह के कपड़े आप दुबई में नहीं पहन सकते है ना क्यों क्योंकि वहाँ तो गर्मी है भाई वहाँ आपको हल्के कॉटन के कपड़े पहनने होंगे तो जो चीज़ कैनेडा में यूज़फुल थी वो दुबई में यूज़फुल नहीं होगी वो चीज़ आपको दुबई में हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती उसी तरह से टाइम फ्रेम में मान लो हमारे दो सीजन हैं वैसे हमारे कंट्री में चार सीजनस हैं हमने दो एग्जाम्पल में लिए यहाँ पे एक विंटर लिया है और एक मानसून लिया है वैसे मैं बॉम्बे में रहती हूँ तो यहाँ मानसून तो हो जाता है पर विंटर नहीं है ठीक है तो विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे मानसून में हमें अम्ब्रेलास की ज़रूरत पड़ती है है ना तो जो चीज़ हम विंटर में यूज़ कर रहे थे वो मानसून में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई सेटिस्फैक्शन हमें मानसून में नहीं मिलने वाली उसी तरीके से अम्ब्रेलास को हम विंटर सीजन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसे टेक्निकली उसकी कोई यूजेज ही नहीं है वहाँ पे तो उससे हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला ठीक यहाँ पे मैं एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना भूल गई हूँ उसे मैं लिख देती हूँ सो so, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका नाम है यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल ठीक है हमें एथिक्स का मतलब समझ में आता है ना एथिक्स मतलब योर एबिलिटी uh, गलत और सही के बीच में डिफरेंस करने की ठीक है तो यूटिलिटी जो है वो एथिकली के लिए न्यूट्रल है यानी कि यूटिलिटी के लिए कोई भी वांट गुड वांट या बैड वांट नहीं है उसके लिए सिर्फ़ एक वांट है और एज़ फार एज़ जो कमोडिटी उस वांट को सेटिसफेक्शन दे रही है तो वो कमोडिटी में यूटिलिटी है तो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था एल्कोहल का है ना एल्कोहल तो एल्कोहल जो है आ, हर एस्पेक्ट से गलत है है ना साइंटिफिकली भी गलत है स्पिरिचुअली भी गलत है दोनों तरीके से इसका कंजम्पशन जो है वो रॉन्ग है बट जो पीते हैं जो ड्रंकर्स हैं ड्रंकर्स उनके लिए अल्कोहल यूटिलिटी देती है तो यूटिलिटी ने यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं किया कि भाई ये रॉन्ग है या ये अनएथिकल है इसके लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे यूटिलिटी थी उसमें ड्रंकर्ड को उसको पी के सेटिस्फैक्शन मिली तो एल्कोहल में यूटिलिटी है ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको लिखना कैसे है सो इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड वॉन्ट और अ बैड वॉन्ट ठीक है तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स यूटिलिटी के तो अगली क्लास में हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन करेंगे जो कि है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आई होप बच्चों आपको यहाँ तक जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ एम सी क्यूज़ रखे हैं अगर आपने ये लेक्चर समझा है और आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आए हैं तो एम श्योर वो एम सी क्यूज़ अंडरस्टैंड करके आंसर करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो जो भी उसके आंसर्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे बाय नाउ टेक केयर